सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी नींद से जग जाइए। फिर से अजीत मेहता सर आ गए हैं तमाम करंट अफेयर्स को लेके। डियर, ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें जनवरी से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया है। ये दो फॉर्म चल रहे हैं डियर, जो अभी आज का जो करंट का जून का होगा वो तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ बैक से भी मैं चल रहा हूँ ताकि आपको एक बैकअप मिल सके और कंप्लीट बैकअप करंट अफेयर्स का मिलता चला जाए। जो टॉप क्वेश्चंस बन पाते हैं वो जनवरी का, वो मैं आपको डे बाय डे दे रहा हूँ। पिछले क्लासेस में भी मैंने जनवरी के सेशन को दिया था, जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स को डाला था, तो आज भी आपका जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ साथ जून का करंट अफेयर्स है। तो आपकी सेशन के स्टार्ट होगी जनवरी, फिर हम लोग फॉलो करेंगे जून के करंट अफेयर्स को लेके। तो तैयार हो जाए पूरी तरह से, पेन एंड पेपर को लेके बैठ जाइए। आप अगर यूपीएससी की तैयारी में जुटे हो, जेपीएससी की तैयारी में जुटे हो, बीपीएससी, सीडीओ, सीएपीएफ की तैयारी में जुटे हो, तो सभी के लिए ये फायदेमंद होने वाला है करंट अफेयर्स। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब हो सके और अपने करंट अफेयर्स को पूरी तरह से मजबूत कर पाए। डियर, ऐसे तो ये सेशन 8:30 बजे होती है, लेकिन जैसा कि रेनी सीजन चल रहा है तो देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनेट, इसके वजह से हमारे सेशंस आगे पीछे होते हैं। फॉर इसके लिए मैं रिग्रेट्स करूंगा आपसे फिर से, बट मैं प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द एक बैकअप का अरेंजमेंट कर लूं ताकि सेशन को कंटिन्यूस किया जा सके। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत, यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक, ताकि आपको किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप मेरे से किसी भी तरह का संवाद करना चाहते हैं तो पूरी स्वतंत्रता के साथ आप हमसे संवाद कर सकते हो। द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शहरों में रहने वाले, अच्छे घरों से बिलोंग करने वाले कि ही एक अच्छा कर सकते हैं। आप भी चाहो तो अच्छा कर सकते हो, दूर गांव में रहते हो, सुदूर गांव में रहते हो, आप चाहो तो वहां से भी अच्छा कर सकते हो। ओके, आप टेलीग्राम ऐप को हमारा डाउनलोड कर लो, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन, सो डेट आपको हमारा करंट अफेयर्स का सेशन मिलता रहे। आइए, आप मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। और ये पहली शुरुआत हो रही डियर कि यूएस कांग्रेस ने कंफर्म किया है जो बिडेन बैक्ट्री एज द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, और ये कितने से जीते हैं डियर, तो 306 वोट से ये रनर्स हुए हैं। ओके, तो जॉय बिडेन जो है अमेरिका के नेक्स्ट राष्ट्रपति बन गए। ये आपको, हालांकि ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी नया नहीं होगा, और ये अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट्स बने हैं। ओके, ये काफ़ी चर्चा में न्यूज़ रहा है, तो इन पे ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है 306 मतों के साथ अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जॉय बिडेन की जीत की पुष्टि कर दी गई थी। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल की स्थापना मोदी जी ने आपको कर रखा है। पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज वर्चुअल इनॉग्रेशन एड्रेस एट द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव ऑन December 4, 2020, ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ था। इसमें इन्होंने डेडिकेटेड किया है नेशन को नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि भारत सरकार ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल किसके द्वारा इनोग्रेट कराया था, तो आप पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर इसके क्या होगा, विच विल बी एबल टू जनरेट IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 2.8 सेकेंड। ये नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को जनरेट करने से आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है उसकी एक्यूरेसी जो है 2.8 सेकेंड तक देखने को मिल पाएगी। द टाइम स्केल विल अलाउ इंडिया टू बिकम द सेल्फ रिलायंट, और इससे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाता है, मेजरिंग द टाइम विद इन द रेंज ऑफ नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड के भी आप इसके टाइम में जो है डिफरेंस नहीं आएगा, जिसके कारण हमें कई तरह के सैटेलाइट टारगेट्स या स्पेस रिसर्च स्टेशन ISRO को काफ़ी मदद मिलने वाला है। एटॉमिक टाइम मेजर्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेकेंड एंड इज एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्ट स्पीड एट द क्लॉक टिक्स। तो ये जो है
आपका एग्जैक्ट स्पीड देखने को मिलता है, मतलब टाइम में डिफरेंस नहीं आ सकता है। अभी होता था ना कि आप जो स्टैंडर्ड जो टाइम है, मेरिडियंस टाइम है, उनसे आपके कई जगहों पे टाइम के डिफरेंस देखने को मिलते थे, तो ये नहीं मिल पाएंगे। एटॉमिक टाइम इज क्रिएटेड बाय द एटॉमिक क्लॉक व्हिच आर एबल टू फर्निश टाइम मोर एक्यूरेटली देन वाज पब्लिश्ड इन द प्रीवियस अवेलेबल एस्ट्रोनॉमिकल मींस। दिस क्लॉक आर आल्सो predicted to be off by less than 1 second in more than 15 million years. With this, India has now become the self-reliant measuring time within the range of nanosecond. इससे करने से इंडिया अपना time seconds measure करेगा, जिसमें difference 2.8 nanosecond से ज़्यादा नहीं हो सकता। Government to form the committee to protect culture, land and language of Ladakh. अब जैसा कि देख रहे हो कि लद्दाख को separate union territory बनाया गया है, तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस लद्दाख को किस तरह से डेवलप किया जाए। इसी पर्पस को देखते हुए गवर्नमेंट ने या आपके होम मिनिस्टर ने एक सेपरेट कमिटी को डिफाइन किया है या प्रोटेक्ट किया है या क्रिएट किया है, तो कि आपका कल्चर को प्रोटेक्ट करे, लैंड को और लद्दाख के लैंग्वेज को थोड़ी सी इज्जत मिले और उनको प्रोटेक्शन किया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज लैंड कल्चर ऑफ द लद्दाख रीजन एंड फॉर इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन द सिटीजन्स इन द यूनियन टेरेटरी डेवलपमेंट। और यूनियन टेरेटरी के जो पीपल्स हैं उनको देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए इंश्योर किया है। और इस जो कमिटी का हेड कौन है, जे किशन रेड्डी। हेड कौन है डियर, तो जे किशन रेड्डी, द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर होम एंड विल ऑल्सो इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन एंड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट। इन अगस्त 2019 द इंडियन पार्लियामेंट्री पास अ रिकॉग्निशन एक्ट व्हिच कंटेन द प्रोविजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी। तो इन अगस्त 2019 द इंडियन पार्लियामेंट्री पास अ रिकॉग्निशन एक्ट व्हिच कंटेन द प्रोविजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, दिस स्टेप सेपरेट द रीजन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे कब से, तो 31 अगस्त 2019 से इसे सेपरेट यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया है। ओके, अंडर दिस टर्म द यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द, आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो लिथुएंट गवर्नर के द्वारा हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि केंद्र सरकार का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके द्वारा वहाँ की शासन चलाई जाती है। इट डज नॉट हैव इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनके पास चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है। पीएम मोदी एनोग्रेट द न्यू रेवारी न्यू मादार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशन। जिस तरह से देख रहे हो कि रेलवे का कॉमर्शलाइजेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है, तो डबल वैगन्स कॉरिडोर आप देख रहे हो कि दो तल्ले वैगन्स कॉरिडोर को लेके रेलवे चल पड़ी है। और ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, ये 7 जनवरी 2021 को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च किया गया। ये 306 किलोमीटर न्यू रेवाड़ी न्यू मादार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। द न्यू स्टेज विल बी फॉर द कॉमर्शियल ऑपरेशन बिटवीन राजस्थान मेड्रास एंड हरियाणा। ओके, राजस्थान मेड्रास और हरियाणा, ये पूछ देगा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है किन राज्यों के बीच में है, तो आप बोलोगे राजस्थान मेड्रास एंड हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी से। ओके, आइए, ड्यूरिंग द इवेंट द पीएम मोदी आल्सो फ्लैग ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन व्हिच इज हॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम एटिल्स इन हरियाणा टू द किशनगंज इन राजस्थान। ये पूछेगा कि वर्ल्ड की जो है सबसे पहला या लॉन्गेस्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर, और ये लॉन्च किया गया है अटाली इन हरियाणा टू किशनगढ़ इन राजस्थान। इट हैज बीन डिजाइंड फॉर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय द वैगन डिपार्टमेंट रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल हमेशा पूछेगा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला है जो डबल स्टैक है। आप देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा होगा ये डबल स्टैक है और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। एलन मस्क बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ओवरटेक जेफ बेजोस। आपको पता होगा कि हालांकि फोर्ब्स मैगजीन के आधार पर जेब्स अभी भी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से एक है, रिचेस्ट पर्सन में से एक है, लेकिन एलन मस्क हैज़ बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन सरपासिंग एमेजॉन फाउंडर।
जेफ अमेज़न के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स विच रैंक द वर्ल्ड 500 वेल्दीएस्ट पीपल्स। तो आप देख रहे हो कि वर्ल्ड के 500 वेल्दीएस्ट पीपल्स का जो इंडेक्स निकालता है, और ये कौन निकालता है? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स। इसके आधार पर एलन मॉक्स नंबर वन है। अदरवाइज अगर देखोगे तो मार्क्स की बात करोगे तो मार्क्स हुई द सीईओ ऑफ स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के प्राइवेट एजेंसीज है, प्राइवेट कंपनी है जो सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग और सैटेलाइट को ये लॉन्च करेगा। एंड टेस्ला हैज अ नेट वर्थ ऑफ 1.5 बिलियंस मोर देन बेस्ट। द 49 ईयर्स ओल्ड है रिपोर्टली बेनिफिटेड फ्रॉम टेस्ला स्ट्रेटोस्फेरिक राइज इन मोर देन वन वे। लेकिन अगर आप देखोगे तो द सर्ज इन शेयर प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार मेकर बूस्टेड मास्क वेल्थ। ओके, तो ये एलन मॉक्स जो है इसको नंबर वन पे कर रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग के द्वारा कर रहा है। अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट एलन मॉक्स रिमेंस एट द सेकेंड पोजिशन बिहाइंड द जेफ बेजोस विथ ए नेटवर्थ ऑफ अराउंड 117.2 बिलियंस, वाइल द बेजोस हैज 184.6 बिलियंस। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बेजोस जो है अभी भी नंबर वन पे बने हैं रियल टाइम बिलियनर्स के रूप में। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन को रोटेट कर दे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के रूप में देखोगे तो उसमें आपका एलन मॉक्स नंबर वन पे आ चुके हैं। ओके, एलन मॉक्स आपके सीईओ हैं स्पेसएक्स एंड टेस्ला के। ये बातों को जरूर याद रखिएगा। SMCB बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजिशन टू SFB। आप देखोगे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की जो शुरुआत की है, उसमें शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है जो SMCB हैज बिकम द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रांजिशन टू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। द बैंक विल बिगिन इट्स बैंकिंग ऑपरेशन अंडर द नेम शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। ओके, इन जनवरी 2020 SMCB हैड रिसीव एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI विच गेव द कोऑपरेटिव बैंक 18 मंथ्स टाइम टू कमेंस द बिजनेस। तो जनवरी 2020 से में ही इसको लाइसेंस मिल गया था और ये अपने आप को ऑपरेशन कर रहा है। तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड से ये ऑपरेशन कर रहा है 2021 से। ये कौन सा बैंक है? अब देख रहे हो कि शिवालिक बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में डेवलप हो गया। शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक नाउ बिकम द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, ये जरूर पूछेंगे। और ये पहला ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है इसलिए क्वेश्चन पूछेंगे। इंडिया टू चेयर UNCS काउंटर टेररिज्म कमिटी इन 2022। इंडिया जो है काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को खत्म करने के लिए चेयर करेगा UNCS, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करेगा। इंडिया शेड्यूल टू चेयर 3 मेन सब्सिडीज बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग इट्स 3 ईयर्स टर्म। इंडिया को जो 3 साल के लिए बनाया गया है इसके नॉन परमानेंट मेंबर, इसमें ये 3 बॉडीज को लीड करेगा। पहला बॉडीज क्या है? काउंटर टेररिज्म कमिटी को लीड करेगा, तालिबियन सेंसेंस कमिटी एंड लीबिया सेंसन कमेटी। ये 3 कमेटी पे जो है ये लीड करेगा कौन? इंडिया अपने 3 साल के नॉन परमानेंट मेंबर के टेन्योर्स में। ये कहना किसको है? तो TS त्रिमूर्ति जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, चले। PM मोदी ने इनोग्रेट किया है 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। आपको पता है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी को आने के उपलक्ष्य में ये किया जाता है, और पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज इन ए वर्चुअल फॉर्मेट इन जनवरी 9, 2021। ये 1993 से अपने देश में ये मनाया जाता है और ये अटल जी का ही प्रयास था। अटल जी के प्रयास से ही ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
तो 9 जनवरी को यह मनाया गया। इट इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बार बार पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस को अरेंज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म टू इंगेज एंड कनेक्ट विद द ओवरसीज सिटीजन। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो वैश्विक लोगों को या जो ओवरसीज सिटीजन है, जो विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय है, मीन्स NRI, स्पेशली ये किसमें बात करता है, NRI है, उनको भारत के साथ कनेक्ट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस बार की थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये जरूर याद रखिएगा कि विश्व प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जून को मनाए जाते हैं, 9 जनवरी को मनाए जाते हैं महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में, इनका जो थीम रखा गया है 2021 का, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। द इवेंट विल ऑल्सो फीचर द कीनोट एड्रेस ऑफ द चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ सूरीनाम। अब पूछेगा कि इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे किनके, सूरीनाम के, इनका नाम क्या था, चंद्रिका प्रसाद संकोसी। ओके, चंद्रिका प्रसाद संकोसी के चेयरमैनशिप में, ये चीफ गेस्ट के शिप में जो है ये इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसे मनाया गया। ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थीम को जरूर याद रखिएगा। COVID-19 डेल्टा प्लस वेरियंट, इनके न्यू सिम्टम्स, हायर ट्रांसमिशन, हॉस्पिटल डेट एंड वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन की पूरी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन May 11, 2021 डेडिकेटेड और डिक्लेयर द डेल्टा B.1.617.2 वेरिएंट ऑफ शार्क COVID-2 एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। द डेल्टा वेरिएंट वाज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन October 2020। ऐसा माना जाता है कि इस डेल्टा वेरियंट को जो है इंडिया के अंदर पहली बार October 2020 में देखा गया था। The Delta variant has been largely responsible for fueling the second wave of the coronavirus. तो भारत के अंदर जो second wave आ रहा है, इसके लिए काफी responsible माना जाता है। In 2021, the highly transmittable Delta जो था, वो B.1.617.2 variant था, जो second wave भारत में आया है, उसके लिए। अब ये Delta plus और AY1 variant की बात की जा रही है। Delta plus और A1.1 variant of SARS-CoV-2 is the new COVID-19 variant that mutated from the Delta variant. The Delta plus variant is characterized by the mutant K417 and found in the spike protection of SARS-CoV-2. The Delta plus variant has been found to be resistant to monoclonal antibody cocktail treatment for the COVID-19. So, जो भी आप एंटीबायोटिक यूज किए हो किसके लिए, तो COVID-19 फेज 2 में ट्रीटमेंट के डेल्टा वेरिएंट्स के लिए, इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है, म्यूटेंट कर चुका है, और डेल्टा प्लस और इसका नाम है AY1 वेरिएंट को डेवलप कर चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ SARS वाज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूरोप। और इसकी अगर बात करोगे तो इस वेरियंट को कहाँ देखा गया पहली बार, तो March 2021 में देखा गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट को। ये और खतरा है दिया, WHO टू सेट हब टू मैन्युफैक्चरिंग COVID-19 वैक्सीन इन साउथ अफ्रीका। जैसा कि आपको पता है साउथ अफ्रीका एक गरीब देश है, इस गरीब देश को वैक्सीनेशन देने के लिए WHO ने क्या किया है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब को स्टार्ट करने की बात की। द प्रेसिडेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके क्या नाम है, कैरल्स रैम्पोसा कॉल्ड WHO एफर्ट हिस्टोरिक स्टेप टू स्प्रेड द लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रस एडनॉम्स ओके गेरवेसस ने कहा है कि साउथ अफ्रीका एक गरीब मुल्क है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप किया जाए ताकि साउथ अफ्रीका में COVID-19 से मर रहे लोगों को बचाया जा सके। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेटिंग अप द हब इन साउथ अफ्रीका to give the company from the poor and middle income countries known how and license to provide coronavirus vaccine. तो किस तरह से वहाँ के कंपनी को कोरोना वायरस बनाने के लिए दिया जाए और एक मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किया जाए किधर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर, ताकि उनका कुछ इनकम भी हो सके और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल सके। ओके, तो सेरल रैमपोसा, ओके जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के और डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हैं टेडरस एडोनॉम ओके गेवरियसस। ओके चलिए, आप देखते हैं कि निपा वायरस इन इंडिया, निपा वायरस के जो एंटीबॉडीज है वो डिटेक्टेड हुआ है भारत में बैट्स में चमगादड़ फ्रॉम द महाबलेश्वरम। ओके, महाबलेश्वरम के गुफा में एक बैट्स मिला था, उस बैट्स में जो है इस तरह का एंटीबॉडीज देखने को मिला निपा वायरस के रूप में।
The presence of antibodies against the Nipah virus in some bat species from a cave in the Mahabaleshwar, Maharashtra. The survey was jointly conducted by the National Institute of Virology, Pune and the Indian Council of Medical Research. के द्वारा सर्वे में ये पाया गया है कि यहाँ पे एंटीबॉडी मिला है इन दोनों वेट्स के अंदर. द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय स्टडीइंग द स्प्रेड ऑफ निपा वायरस इन इंडियन एट एन स्पेसिस. द स्टडी इज टाइटल्ड डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल निपा वायरस इन्फेक्शन इन रोस्टिलस लेस्टिनोटिलिटी एंड पिपिस्टोरिस पिपिस्टोरस वैट्स इन महाराष्ट्र इन इंडिया. ओके, द स्टडी फाउंड द वायरस एंड इट्स एंटीबॉडीज इन डिफरेंट बैट स्पीसीज. इट हैज बीन पब्लिश इन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ. अब देखो, निपा वायरस इज ए जोनोटिक वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट्स बैट्स. तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट्स बैट्स में ये आपको देखने को मिलता है. कौन? निपा वायरस देखने को मिलता है. ओके, तो इस निपा वायरस को पाया गया है इसकी जो एंटीबॉडी है, तो ये अच्छी बात है. इस एंटीबॉडी से हम निपा वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट को बचा सकते हैं. और देखो क्या माइवा सुडान ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है. माइवा सुडान क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो जिस तरह से आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादी डेवलप कर रहा है, ऐसे समय में फाइटर डेवलप किया है और वहाँ की महिला जो है फर्स्ट फीमेल फाइटर बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, माइवा सुडान. माइवा सुडान हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू इंडक्टेड एज ए फ्लाइट फाइटर इन इंडियन एयरफोर्स. अगर आप बात करोगे तो ये 12th फीमेल है पूरे इंडिया के अंदर. एंड द 24 ईयर ओल्ड माइवा हेल्स फ्रॉम लंबेरी विलेज नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन रजौरी. फीमेल फाइटर बन चुका है. और भारत की बात करोगे तो ये 12वां फाइटर है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट वन. इंडिया एंड फिजी इंक्स एमयू फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. इंडिया और फिजी जो है एक एमयू साइन किया है किसके सेक्टर में? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के सेक्टर में. ए वर्चुअल मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर विथ डॉक्टर महेंद्र रेड्डी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वाटरवेज एंड एनवायरमेंट Government of Fiji on 22nd June 2021. During the meeting, both the ministers signed a memorandum of understanding for cooperation in the field of agriculture and allied sector. तो agriculture और उससे जुड़े जितने भी गतिविधियाँ हैं उनके उनको development के लिए भारत का Fiji के साथ एक MOU sign हुआ है. और ये काफ़ी most important question बनने जा रहा है आपके किसी भी coming examination में. ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका हाल ही फिलहाल में भारत के साथ जो है एमयू साइन हुआ है इन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड. और ये फिजी की जो कैपिटल है ये सूबा है, ये कई बार पूछ सकता है. और करेंसी जो है फिजियन डॉलर है. ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये भारत. तो ये फिजी का आपका क्या है? तो वहाँ का नेशनल फ्लैग है और ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है. तो दोनों मुल्कों के बीच में एमयू साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी. आपको बताते चलें कि भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इन दोनों में COVID-19 के पीरियड के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट किया है. ओके, सो लॉट ऑफ थैंक्स. मैं समझता हूँ कि आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिला है और इस तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे. और डे बाई डे बूंद बूंद तालाब भरेगी और हम लोग बूंद बूंद समुद्र भरने पर विचार कर रहे हैं. सो आप मेरे साथ बने रहो. फॉलो मी टेलीग्राम पे, आप मुझे फॉलो करो ताकि आपको PDF मिल जाए हमारे सेशन का. और आप मुझे सब्सक्राइब करो फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए ताकि YouTube पे जो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स हैं इसलिए आपको बेनिफिट कर जाए. एंड फॉलो मी Facebook पे, आप मुझे फॉलो करो. और आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजीत. ओके, चलिए, थैंक यू. आपने हमारे सेशन को देखा तो सब्सक्राइब माई चैनल YouTube एमिनेंट ट्यूटोरियल्स फॉर योर फ्यूचर्स क्लासेस. थैंक यू. आई होप यू विल बी वेरी बेनिफिटेड बाई दिस सेशन एंड I am trying to my level best to achieve you the performer or achiever of the current affairs. Thank you. Incoming examinations.